अगर आप टेक्स्ट को स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है, ये लास्ट नेम है। तो इसमें तीन चीजें लिखी हुई हैं। स्प्लिट करना चाहते हैं तो स्प्लिट का यूज कर सकते हैं आप, स्प्लिट फॉर्मूला मिल जाता है आपको गूगल शीट में, लेकिन हम यहां स्प्लिट का यूज करना नहीं चाहते। तो क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि हम उस फॉर्मूले उस चीज को यूज करें जिसकी मदद से हमें फॉर्मूला ना लगाना पड़े, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली जो दिया होता है गूगल शीट में उसका यूज करना चाहते हैं। तो आपको जाना चाहिए डेटा टैब पर और यहां से आ जाइए सीधा सीधा स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां लिखेगा डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली, तो बस इसी पे क्लिक कर दीजिए। तो पूछ रहा है कि किस हिसाब से आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हमने और कुछ तो दे नहीं रखा है, स्पेस ही दिया हुआ है, तो कॉमा की तो बात नहीं, सेमीकोलन भी नहीं दिया, पीरियड भी नहीं, स्पेस करते हैं हम। तो यहां स्पेस कर देते हैं और आप देखेंगे कि तीनों अलग अलग कॉलम्स में आ जाएंगे। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये काफी आसान है और काफी अच्छा भी है, और इसमें आपको प्री बिल्ड मिल जाता है। कहां जाने पे मिलेगा, डेटा टैब में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम्स। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।